हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान और मैं हूं अभी पर गुवाहाटी में। गुवाहाटी में मैं कहां पे हूं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं मुसाफिर खाना में हूं और ये मुसाफिर खाना मुझे 110 रुपए में मिला है और ये रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर के दूरी पे है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रूम का टूर कराता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि मैं रुका कहाँ पे हूँ और कितने सस्ते जगह पे रुका हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं रूम का टूर कराता हूँ कि 110 रुपए में आपको क्या फैसिलिटीज मिलती है। भाई रूम देखो, बहुत ही साफ सुथरा रूम है, आपको थोड़ा सा भी कंकड़ नहीं दिखेगा। यहाँ से आप घुसो, इस तरीके से आपको अलग अलग बेड मिलेंगे, 3 शेयरिंग रूम है तो इसलिए आपको मिलेगा और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है क्योंकि 1 बेड 2 बेड 3 बेड, इसमें से आप किसी एक को चुन सकते हो। मैंने ये चुना हूँ और मैं कल से अकेला ही सो रहा था, भाई कोई आ ही नहीं रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अभी एक बंदा आया वहाँ पे तो अब वो रुकेगा और सामान वामान की हिफाजत आपकी अच्छे से होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर से नज़ारा आप देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, सभी इसी से जगह जगह पे लगे हुए हैं रूम, अलग अलग डिपार्टमेंट में बने हुए हैं और वहाँ पे देखो सीधा एक कैमरा लगा रहेगा और अंदर जाओगे तो सब मुसाफिर खाना का अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहेगा। अगर घूमने के लिए आते हो तो भाई 110 रुपए के ये रूम सही है। आपको सोना है, अच्छे से मोबाइल चार्ज करना है और पंखा चालू हर टाइम चलता रहेगा आपका, और क्या चाहिए 110 रुपए में। मैं तो कल इसी फेंक के रखा हूँ, सब मेरा बैग है, आज सब तैयारी कर रहा हूँ नेपाल के लिए। और इधर से इंटर करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से देखेगा, ये देखो भाई मुसाफिर खाना, ये है अपना जिस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मुसाफिर खाना है और ये मुसाफिर खाना का गेट है और यहाँ पे मस्जिद है, ये वजू खाना है। नीचे इस साइड में मस्जिद है और वहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते हो। और ये सामने जो देख रहे हो ना, ये पूरा मार्केट है, मार्केट का एरिया है। यहाँ पे आप कुछ सामान लेना चाहते हो ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सामान वगैरह लेने के लिए दूर जाना पड़ेगा। और वहाँ से आप 200 मीटर आगे जाओगे तो एक रोड मिलेगी और वहाँ से आप जाओगे तो 200 मीटर के बाद एक रोड मिलेगा, वहाँ से आप बस पकड़ के खाना पाड़ा जा सकते हो 30 रुपए। देखो वहाँ पे नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे से आप फिर गुवाहाटी से बाहर भी निकल सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, शिलांग के लिए रास्ता है। और अगर आप इधर से थोड़ा उधर जाओगे तो 1 किलोमीटर के बाद ही आपको मिल जाएगा गुवाहाटी का मेन रेलवे स्टेशन, यानी कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो आई होप गाइस आप लोगों को रूम का टूर अच्छा लगा होगा कि मेरा जो नॉर्थ ईस्ट का सीरीज है वो मैं एंड कर रहा हूँ और वो मैं घूम चुका हूँ जितना घूमना था। अब मैं आज निकल रहा हूँ नेपाल के लिए और मुझे आप लोगों को रूम का भी बताना है कि हाँ भाई, अगर मैं आप गुवाहाटी आते हो तो इतने सस्ते में आप कहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप मानोगे ना तो इतने सस्ते जगह पे और कहीं नहीं रुक पाओगे गुवाहाटी के अंदर में। सबसे पहले मैं बता दूं गाइस कि मैं अब अरुणाचल से घूम के आ चुका हूँ और नॉर्थ ईस्ट से समझो पूरा घूम लिया हूँ। जैसे मैंने इंटर किया था सबसे पहले गुवाहाटी में, फिर गुवाहाटी से गया शिलोंग, मेघालय घूमा, फिर मेघालय से फिर असम आया, फिर असम से फिर मैं अरुणाचल प्रदेश गया, तो और दीमापुर भी बीच में गया था, नागालैंड। तो इतनी जगह मैं घूमा हूँ और 2 दिन पहले ही मुझे घर से निकले हुए 4 मंथ हो गए हैं। आज है 13 तारीख और 11 तारीख को घर से मैं निकला था, तो 4 महीने हो गए। तो 4 महीने में मैंने 3 महीने तो मैं नॉर्थ ईस्ट में घूमे जो अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। भाई अगर आप उस सब वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप बड़े आसानी से देख सकते हो। और सलमान बैग पे कर ये वीडियो देख लो, चैनल पे क्लिक करो और सारे नॉर्थ ईस्ट की सीट देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि अब मेरा नॉर्थ ईस्ट का अनुभव कैसा रहा है, तो अगर मैं बताऊं तो सबसे अच्छा अनुभव जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में लगा मुझे अरुणाचल प्रदेश में। भाई वहाँ के लोगों के बारे में तो 100 में से 100 मार्क मैं दूंगा, और क्योंकि यार वो लोग ना बढ़ बढ़ के आपका वेलकम करते हैं, जो आप मेहमान आते हैं ना उनका वेलकम करते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप अरुणाचल प्रदेश में आओगे तो आपको कोई काउ सर्फिंग वगैरह जरूरत नहीं है, किसी को होस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आप बजट ट्रेवलर हो ना तो आप टेंट भी कहीं भी लगा सकते हो, और वैसे आप किसी के घर में भी पूछोगे ना तो वो भी बोल देगा हाँ ठीक है आप रुक जाओ, और सुबह उठते ही वो तुमको नाश्ता खाना पीना भी खिलाएगा और अपने साथ बिठाएगा, सारा अपने कल्चर भी दिखाएगा बिना पूछे। ये भाई जब मैं घर से निकला था ना तो मुझे पता भी नहीं था कि यार मैं अकेला तो हूँ क्या कैसे होगा, लेकिन जब मैं घूमता गया और एक से बढ़कर एक लोग मिलते गए अरुणाचल प्रदेश में, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई मुझे। और फिर उसके बाद असम में भी आया, फिर वापस असम में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारे एक दोस्त मिले ज्योति मित्रा, वो भी उनके साथ रहा, बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत जगह मैं रहा हूँ तो असम में भी लोग मिलते हैं, हेल्प करते हैं। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं हर जगह पे। अरुणाचल में आपको जो पेट्रोल पंप होते हैं ना, पेट्रोल पंप वाले भी आपको बुलाएंगे ना, तो अपने ऐसे नहीं कि आप कहीं भी टेंट लगा लो, अपने स्टाफ के साथ रखेंगे
मेरे पिछली वीडियो देखोगे अरुणाचल वाली ना, तो भाई साहब आपने पेट्रोल पंप पे भी मैं बहुत जगह रुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे टेंट लगा लिया। उनके स्टाफ रूम के साथ जाके उनको उन लोगों के स्टाफ के साथ रहता था, खाना पीना खाता था। भाई अरुणाचल में घूमने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, बस इतना पैसा रखो कि कभी अर्जेंट में फंस वगैरह जाओ तो बैड लक आपके साथ होने लगे तो आप सेफ हो जाओ। तो मेन मकसद यह है कि अब आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से नेपाल के लिए, और नॉर्थ ईस्ट की सीरीज तो एंड हो चुकी है और अभी बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए बाकी है, लेकिन मैं बहुत आराम आराम आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था यार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आराम आराम घूमेंगे एक एक चप्पा चप्पा, लेकिन टाइम भी बहुत हो गया तो मुझे लगा कि यार अब यहाँ पे बोर भी हो रहा हूँ, दूसरी जगह पे घूम के एक बार आता हूँ, तो नेपाल का डिसाइड किया। तो आज निकलेंगे नेपाल। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियो के थ्रू आपको जानकारी मिली होगी, और अगर जानकारी मिली होगी और अगर आप नॉर्थ तो ईस्ट से सीधे नेपाल का पूरा सीध देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इच्छा है तो। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो यहीं पर रखते हैं और हम निकलते हैं नेपाल के लिए, वो वाली सीरीज आपको अगली वीडियो मिलेगी। आई होप आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।